गाइस, इस तरीके से आप अनार की कटिंग को बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हेलो गाइस, क्या आप भी अपने घर पर अनार को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताएंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप बने हुए हैं मेरे साथ अपने YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग टिप्स पर। अगर आप लोग हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए हमारी नई नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए गाइस, फिर मैं वीडियो की शुरुआत किए देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर दो अनार की कटिंग्स ली हुई हैं, ये देखिए। ये मैंने एक महीने पुरानी अनार की कटिंग ली हुई है और इसे मैंने 45 डिग्री के एंगल से कट कर लिया है। आप भी अपनी अनार की कटिंग को 45 डिग्री के एंगल से कट कर लीजिए। इस पर जो पत्तियां हैं उन्हें आप कटर की सहायता से हटा दीजिए। तो चलिए गाइस, फिर मैं इस पर जो पत्तियां हैं उन्हें अच्छे से कटर की सहायता से हटाए देता हूँ। तो गाइस, मैंने सभी पत्तियां अच्छे से हटा दी हैं, ये देखिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सोइल मीडिया की। तो गाइस, अनार को कटिंग से ग्रो करने के लिए इसके लिए मैंने अपनी नॉर्मल गार्डन सोइल ली हुई है 70% और कंपोस्ट ली हुई है 30%। इसकी जगह कंपोस्ट की जगह बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या फिर केंचुए खाद भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मैं इस दोनों को अच्छे से मिक्स किए लेता हूँ। तो गाइस, मैंने दोनों को अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो पॉलीथीन ली हुई हैं, इन पॉलीथीन में जो है अनार की कटिंग ग्रो करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं इस गार्डन सोल के मिक्सर को अच्छे से इस पॉलीथीन में अच्छे से भर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने ये दोनों पॉलीथीन अच्छे से मिट्टी से भर लिए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें अनार की कलम को लगा देता हूँ अच्छे से। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक लकड़ी ली हुई है और इस लकड़ी की सहायता से मैं इसमें एक होल बना लेता हूँ जिसमें हम अनार की कटिंग लगाने वाले हैं। तो गाइस, मैंने दोनों पॉलीथीन में अच्छे से होल बना दिए हैं, ये देखिए। और अब मैंने ली हुई है अनार की कटिंग। मैं इसे बिना रूटिंग हार्मोन के जो है ग्रो करने वाला हूँ। अब अनार की कटिंग लगाने के बाद आप इस मिट्टी को जो है अच्छे से हल्की हल्की हाथों से दबा दीजिए। इसी तरह से आपको दूसरी भी कलम लगानी है। तो चलिए गाइस, मैंने दोनों कलम को अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें हम करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग पहली बार में आपको भरपूर करनी है। वाटरिंग मैंने अच्छे से दोनों में कर दी है, ये देखिए। तो गाइस, अपडेट के साथ मिलते हैं। हेलो गाइस, ये गाइस 22 दिन बाद का अपडेट है और हमारी अनार की कलम काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नई नई लीव्स निकल रही हैं, नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, ये देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।